हेलो एवरीवन, मेरे चैनल ज्ञान एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इकाई तीन मतलब सांख्यिकी। इकाई दो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पूरे कर लिए थे, तो आज हम देखेंगे इकाई तीन मतलब सांख्यिकी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सांख्यिकी क्या होता है और वृत्तरेख या पाई चार्ट क्या होता है। तो वृत्ता पाई चार्ट देखिए इस प्रकार इस वर्ग के माध्यम से समझेंगे। इस बेस पर सवाल भी आएंगे, सभी सवाल को हल भी करेंगे। सारी एक्सरसाइज इस बेस पर आधारित है। तो देखिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं, यहाँ हमारा जो गोल गोल होता है, क्या होता है, वृत्त होता है, ठीक है। और यहाँ इसके हमारे क्या है, कुछ कोण बनाए हैं, कुछ खंड बनाए हैं, ठीक है। इन खंडों को देखिए, यहाँ पूरा खंड कितने का होगा, 360 डिग्री का होगा, ठीक है। कितना होगा, 360 डिग्री, ठीक है। देखिए यहाँ पूरा 360 डिग्री का होता है। और यहाँ हमारे क्या होते हैं, यहाँ कुछ खंड दिए गए, कुछ भाग दिए गए हैं। जैसे कि इसको को एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है, कोई बच्चा 4 घंटे पढ़ाई करता है, ठीक है, और 8 घंटे आराम करता है, और 7 घंटे खेलता है, और 5 घंटे पबजी खेलता है, ठीक है। पबजी खेलने नाम पर आप वीडियो काट कर पबजी मत खेलने में बैठ जाएगा, ठीक है। देखिए पबजी खेलना मतलब गेम खेलना है 5 घंटे, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, देखिए 8, 7, 15, 15, 5, 20, 4, 24, पूरे टोटल घंटे कितने होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे क्या है, यहाँ हमारा कुल भाग होगा मतलब 24 घंटे, और यहाँ हमारे क्या है, यहाँ हमारे अन्य भाग है, जैसे जो खंड किए हुए अलग अलग, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले 2 सूत्र होंगे, उन सूत्रों पर ही पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अभ्यास 3A, ये 2 फॉर्मूले हमारे इस प्रकार है। सबसे पहला फॉर्मूला है वृत्त के केंद्र पर कोण, वृत्त के केंद्र पर कोण, ठीक है। और देखिए अगर हमें कोई पूछेगा कि पढ़ाई करने का वृत्त का कोण निकालिए या पबजी खेलने का वृत्त का कोण निकालिए, मतलब इनके जवाब कुछ भी देगा, मतलब एक ऐसा ही पाई चार्ट देगा आपको, और आपको मैं पाई चार्ट बनाना सिखाऊंगा। 3A में कुछ क्वेश्चन है, 2 या 3 क्वेश्चन है शायद, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए सब ये हमारा क्या है, देख कोण है, तो फॉर्मूला क्या होगा, वृत्त के केंद्र का कोण, जब हम कोण बनाएंगे, कोण जैसे कि 360 डिग्री का पूरा होता है, ठीक है। तो ये हमारे कोण आइए आगे समझेंगे हम, ठीक है। अब देखते हैं फॉर्मूला क्या है, वृत्त के केंद्र कोण, इसका सबसे पहले क्या करेंगे, अन्य भाग बटे कुल भाग, अन्य भाग बटे कुल भाग गुणा 360 डिग्री, ठीक है। देखिए सबसे पहले समझिए अन्य भाग क्या होता है। देखिए अन्य भाग जैसे कि यह हमारे क्या है, अन्य भाग जैसे कि पढ़ाई करना है, यह क्या है हमारा अन्य भाग है, और जैसे पबजी खेलना है, यह भी हमारा अन्य भाग है। मतलब इसमें पूरे वृत्त में मतलब पूरे पाई चार्ट में अलग अलग भाग दिए हैं, जैसे कि 4 भाग दिए हैं, ठीक है। तो अन्य भाग तो ये हो गया, और कुल भाग क्या होता है, कुल भाग होता है हमारा 24 घंटे, ठीक है। जैसे कि मतलब अलग अलग भाग तो इनके, लेकिन अगर टोटल जोड़ेंगे, मतलब मैंने कहा है ना कुल भाग, तो कुल भाग क्या होगा, 24 घंटे होगा, ठीक है। तो देखिए इसको उदाहरण समझते हैं इस फॉर्मूले को। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया हमने कि पबजी खेलने का क्या निकालना है, केंद्र का कोण निकालना है, ठीक है। पबजी खेलने पर वृत्त का कोण निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले पबजी खेलने में देख लीजिए कितना है, ठीक है, इधर ये लिख लेंगे वृत्त के केंद्र का कोण, ठीक है। अब देखिए क्या है, पबजी खेलने का वृत्त का केंद्र निकालिए, कोण निकालिए, ठीक है। देख अन्य भाग क्या है हमारा, पबजी खेलना मतलब 5 घंटे हैं, तो 5 बटे, और कुल भाग कितना है, कुल भाग मैंने बताया एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे कर देंगे 24। अब इसके बाद क्या करें, मैंने गुना कहा है, तो गुना कर देंगे 360 से, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको काट देंगे, कैसे काट देंगे, 6 चौक 24 और 6 छंग 36, तो 60 हो जाएगा, ठीक है। अभी 60 इस 4 से फिर 60 को काट देंगे, 15 चौक 60, ठीक है। अब देखें क्या बचा है हमारा, 5 गुणा 15, तो क्या हो जाएगा, 15 75 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ इस प्रकार है, जब आप सवाल समझेंगे तो आपको अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, एक होता है हमारा प्रतिशत निकालना। देखिए सवाल पूछेगा कि पढ़ाई करने का प्रतिशत निकालिए या आराम करने का प्रतिशत निकालिए, प्रतिशत केंद्र निकालिए, वृत्त के केंद्र का प्रतिशत निकालिए, इसी बेस पर सवाल आते हैं, ठीक है। तो उसमें कैसे निकालेंगे, देखिए उसका भी एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यह है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूँ,
व्रत के नंबर दो फॉर्मूला है, व्रत के केंद्र पर प्रतिशत। तो कैसे निकालेंगे देखिए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा जैसे कि हमें क्वेश्चन आएंगे तो हमारा मैंने अलग पाई चार्ट बनाया है, इसमें कोई क्वेश्चन करेंगे तो अलग पाई चार्ट बनेगा, ठीक है। तो देखो इसको सिर्फ एग्जांपल में समझते हैं। जैसे कि किसी बच्चे ने किसी मतलब 50 में से 20 मार्क्स पाए हैं, कितने 20 मार्क्स, जैसे कि तो 50 को नीचे लिखेंगे, पता है आपको कुल नीचे लिखते हैं, और 20 मार्क्स पाए कितने पाए हैं ना ऊपर लिखेंगे, ठीक है। जो मार्क्स पाए हैं उससे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 100 से, ये 100 से, क्योंकि क्विक प्रतिशत 100 से ही निकालते हैं, आपको पता भी होगा, ठीक है। देख क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, और 5 × 2 = 10, और देखिए अब क्या करेंगे, 2 × 2 = 4, तो 40% हो जाएगा, ठीक है। आप हिंदी में प्रतिशत लिख सकते हैं, प्रतिशत का चिन्ह भी ऐसे प्रकार लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ फॉर्मूले हमारे सभी दो फॉर्मूले हैं, इसी आधार पर एक्सरसाइज 3 है पूरी है, उसको हम पूरा कर लेंगे इन दो फॉर्मूलों को, ठीक है। और मैं आपको व्रत का पाई चार्ट बनाना सिखाऊंगा, उसके 2 या 3 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो आप सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सीख जाएंगे। तो वीडियो करके पूरा देखा दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे अपने हमारे वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी घर पर बैठकर पढ़ाई कर सके। तो देखिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज डेली है, अब देखते हैं एक्सरसाइज 3A। तो एक्सरसाइज 3A में पहला सवाल देखते हैं। देखिए सबसे पहले सवाल में क्या कहा गया है, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है, मतलब यह हमारा पाई ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमारे अंक क्या है, मतलब परिणाम क्या है, इसमें निरूपित किया गया है, ठीक है, अंश में। तो उसमें क्या पूछा है, चित्र देखकर बताइए, ठीक है। 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो इन 4 क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे, ठीक है, और एक एक करके देखेंगे, उनको हल करेंगे और इस पाई ग्राफ की मदद से। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण होंगे। तो देखिए मैं कहां से पता चलेगा, मैं यहां से पता चलेगा, ठीक है। तुम्हें पूछा है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में होंगे। देखिए 4 श्रेणी दी है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और अनुत्तीर्ण श्रेणी, ठीक है। देखिए इसमें पूछा है सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। तो किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, देखिए नित्य श्रेणी में 180 अंश हुआ है, मतलब 180 डिग्री, तो यहाँ कितने हुए, यहाँ पर 180 अंश नित्य श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नित्य श्रेणी, नित्य श्रेणी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। मैं पूछे सबसे कम शिक्षार्थी, देखिए आप सबसे कम शिक्षार्थी इसमें सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्या है, यह अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी है, मतलब फैल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूछा है सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण, मतलब उत्तीर्ण पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर तृतीय श्रेणी में क्या है, 90 डिग्री है, यहाँ पर क्या है, प्रथम श्रेणी में 60 डिग्री है, तो कम पूछा है, तो क्या है, प्रथम श्रेणी में क्या है, यहाँ पर सबसे कम उत्तीर्ण हुए, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी, ठीक है, समझ गए हैं। लेकिन इसमें क्या क्या है, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो सबसे अधिक देखें इसमें लग रहे होंगे आपको, देखने में बड़ा चाप भी दिख रहा है, ठीक है। तो पेपर में भी ऐसा ही चाप आएगा आपको, उस चाप में इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और आपको इसे पाई ग्राफ आपको देख कर क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन को सिर्फ बंद कर देना है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आएगा, जैसे कि आप करें क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, देखिए अन्य भाग बटे कुल भाग और क्या करेंगे, गुना 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हल करेंगे इसको, कोण वर्ग क्या है हमारा, 30 डिग्री है, देखिए कोण क्या है, 30 डिग्री है, इसमें अनुत्तीर्ण पूछा है ना, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी समय के लिए, ठीक है, तो उसमें कोण हुआ 30 डिग्री, और अन्य भाग क्या है, देखिए अन्य भाग कुछ नहीं है हमारा, तो क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे, और कुल भाग क्या है हमारा, 60 डिग्री, कुल भाग क्या है हमारा, 60 डिग्री, और गुणा कर देंगे 360 से, ठीक है, 30 बराबर 6x, ठीक है, इस x को धर लिया यानी, तो 30/6, 6 से काटेंगे, 6×5=30,
ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 डिग्री, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 डिग्री, ठीक है। तो क्या हुआ, और सेकंड 5 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हम क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या का अनुपात क्या है, ये सब अनुपात पूछा है। इस सवाल को आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, उतार लीजिए। अब सवाल नंबर 4 को देखते हैं, सवाल नंबर 4 में क्या पूछा है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या, ठीक है। प्रथम श्रेणी देखिए क्या है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या, देखिए प्रथम श्रेणी क्या है, प्रथम श्रेणी में कितनी संख्या है, 60 डिग्री है, 60, और द्वितीय श्रेणी में कितनी है, 180, ठीक है। तो प्रथम में कहा है कि कितनी श्रेणी है, प्रथम श्रेणी में कितनी है, तो 60 डिग्री है, और द्वितीय श्रेणी में कितनी है, 180 डिग्री है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, देखिए इसका अनुपात ये बटे में क्यों लिखा, क्योंकि अनुपात का नाम ही बटे होता है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 6 से 18, ठीक है। तो 6 से 6 18, तो क्या कर देंगे, देखिए 1/3, तो 1/3 हो जाएगा, क्या होता है, 1/3, ये हमारा आंसर है, ठीक है। आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। सवाल नंबर 2 को देखिए, सवाल नंबर 2 को मैंने पर यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है, उतारते उतारते सारे बोर्ड पर आ जाएगा, फिर सवाल कहाँ पर करेंगे, ठीक है। देखिए अब इसको किताब से पढ़ेंगे सवाल को, और यहाँ पर इसको हम बोर्ड पर हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए दूसरे सवाल में क्या कहा है, किताब तो आपके सभी के पास होगी, भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण, मतलब किसी शहर में कोई वाहन कर्मी मैंने उसका सड़क परिवहन का नियम पालन न करने पर क्या हुआ, विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल, मतलब सड़क दुर्घटना में क्या हुआ, मैं घायल हो गए, ठीक है। तो व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाईग्राफ निम्नलिखित है, मतलब इसका जो हमें पाईग्राफ दिया है, यहाँ दिया है, ये पाईग्राफ क्या है इसका, इस क्वेश्चन नंबर 2 का पाईग्राफ दिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें पाईग्राफ देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, मतलब इस पाईग्राफ को देखकर हमें निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं, देखिए आप देख सकते हैं बुक में, यहाँ पर 5 प्रश्न है, ठीक है, यहाँ पर 5 प्रश्न आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें क्या पूछा है, देखिए सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे, देखिए कहा है क्वेश्चन में कि पैराग्राफ देखकर बताना है, देखिए पैराग्राफ यह रहा हमारा, ठीक है। तो देखिए सबसे अधिक किस उसमें घायल हुए, देखिए अभी देखिए इसमें 90 है, इसमें 36, इसमें 54 है, इसमें 36 है, देखिए इसमें क्या है, 144, मतलब सबसे ज्यादा क्या है इसमें, ठीक है, 144 सबसे ज्यादा है इनमें, तो ठीक है, सबसे इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति की संख्या किसमें है, पैदल में, ठीक है। उसका आंसर क्या आ जाएगा, पैदल, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए, मतलब इसमें एक पूछा है प्रतिशत, ठीक है। तो प्रतिशत क्या होता है, देखिए मैंने बताया था उसमें क्वेश्चन में लगेगा फॉर्मूला नंबर 2, मतलब सूत्र नंबर 2 में लगेगा सवाल में, ठीक है। तो क्या पूछा है कि साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए, देखिए साइकिल से कौन कर रहा है, 36%, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखिए 36 / 36, तो क्या करेंगे, देखिए इसमें कितना प्रतिशत हो जाएगा, 10%, ठीक है। उसका आंसर क्या हो जाएगा दूसरा, 10% साइकिल से यात्रा करने वाले घायल हुए, ठीक है। प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत क्या आता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले, ठीक है। देखिए मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कौन है, प्रतिशत पूछा है, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखे इसमें क्या करेंगे, इसमें ये करेंगे कि 90/360 × 100, ठीक है। देखिए 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9 × 9 और 9 = 36, ठीक है, और से काट देंगे 25 बार, 2500 होता है, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 25%, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने व्यक्ति घायल हुए, 25%, ठीक है, समझ गए, ऐसे भी देखते रहिए इस सवाल को। और क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, पैदल में कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता, मतलब इसे पूछा है कार और पैदल, मतलब कार और पैदल का दोनों का निकालना है, ठीक है, प्रतिशत ही पूछा है इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इसमें क्या पूछा है, पैदल एवं कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है, तो सबसे पहले पैदल वालों को निकालना है, पैदल वाले कितने हैं, 144 / 3 = 60 × 100,
ठीक है। देखिए 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, ठीक है। 18 एकम 18 दूनी 36 और देखिए अब क्या करेंगे, 18 एकम 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144 और 2 चौक 8, ठीक है। 2 चौक 8 और अब देखते इतना बच गया 4 गुना 10, तो 10 चौक 40, 40% हो गया, ठीक है। अब निकालेंगे देखिए कार का, जैसे पूछ है देखो दोबारा ढेर बजे पैदल एवं कार ही आते रहे, मतलब कार वाले कितने 36% है। तो क्या करेंगे देखिए कार वाले, कार बराबर देखिए 36/360 × 100, जो वैसे 0 काटेंगे 36 × 36 और 36 × 36 तो कितना आ जाएगा 10%, ठीक है। उसके बाद क्या कुछ है, घायल होने वाले, घायल होने वाले की प्रतिशतता कितनी है, ठीक है। घायल होने वाले कितनी है देखिए 40% से हो गया और 10% कितना हो गया, कुल कुछ देख लेंगे 40 + 10 तो कितना हो जाएगा 50%, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 में विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है, मतलब विभिन्न यात्रा साधनों, देखिए इसे पूछा है यात्रा साधन, देखिए पैदल कोई साधन नहीं है, पैदल मतलब पैदल ही चलना है, ठीक है। तो साधन कितने हैं इसमें, एक तो कार भी साधन है, बस भी साधन है, साइकिल भी साधन है, मोटरसाइकिल भी साधन है, ठीक है। तो पैदल को छोड़ देंगे, क्योंकि पैदल साधन नहीं है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले, मतलब जो जितने साधनों से घायल हुए हैं उनको हमें क्या करना है, उनका प्रतिशत बताना है, ठीक है। और देखिए इसमें इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए या नीचे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेंगे, विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले, सबसे पहले मोटरसाइकिल निकालेंगे, ठीक है। प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं 90/360 × 100, ठीक है। देखिए इस 0 से 0 काटेंगे, 9 × 9 और 9 = 36 और से काट देंगे 25%, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 25%, ठीक है। यहाँ होगा हमारा मोटरसाइकिल का, और अब देखिए निकालेंगे हम साइकिल का, साइकिल का, ठीक है। साइकिल बराबर देखिए कितना हुआ, साइकिल कितना दिया है 36 दिया है, 36/360 × 100, 0 से 0 काटेंगे, 6 × 36 = 36, 36 × 36 तो कितना आ जाएगा 10%, ठीक है। अब देखिए अब क्या निकालना है, निकालना है बस का, क्योंकि बस भी एक साधन ही है, देखिए बस का इधर निकाल लेते हैं, बस का इसमें क्या हो जाएगा देखिए, इसमें 54/360 × 100, 0 से 0 काट देंगे और इसमें देखिए कैसे काटेंगे, 18 × 18 = 36 और 18 × 54, ठीक है। इस 2 से इसको काट देंगे 5 × 2 = 10 तो कितना हो जाएगा 5 × 5 = 15%, ठीक है। हम निकालेंगे कार का, देखिए तो कार का भी देखिए 10% ही आएगा, लेकिन फिर भी निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखिए कार का निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए साइकिल का कार का दिया है, दोनों बराबर दिए हैं, ठीक है। कार का निकालेंगे देखिए 36/360 × 100, तो 0 काट देंगे और 36 × 36 और 36 × 36 तो कितना आ जाएगा 10%। तो इसमें क्या पूछा है, घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता, मतलब कुल बताना है, मतलब टोटल कितने थे, ठीक है, टोटल कितने परसेंट थे देखिए बताना है। देखिए कुल लिखकर, कुल लिखेंगे कुल बराबर 25, कुल कब निकलेगा जब इनको हम जोड़ेंगे, ठीक है। जब इधर निकलेगा कुल 25 और अब फिर से आएगा 10 फिर प्लस 15 प्लस 10, ठीक है। तो क्या होगा देखिए 25 और 10 = 35, 35 और 10 = 45, 45 = 60%, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आपको बड़ा लग रहा होगा ये सवाल, लेकिन कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है पाई ग्राफ को देखकर इसमें क्या करेंगे, बटे मतलब बटे लिखकर जैसे कि बताया मैंने, देखे तो उसमें क्या कर देंगे, तो परिचित निकाल देंगे गुणा 100 करके, ठीक है। देखिए फिर और समझ में लिया इस सवाल को, इस क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या किया है, सर पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले, देखिए साधनों से पूछा है, साधन मतलब पैदल तो साधन नहीं होता है, पैदल क्या है, ठीक है, पैदल तो पैदल ही चल रहा है, साधन नहीं है कुछ भी, ठीक है। साधन तो होते हैं जैसे कि मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, कुछ बस हो गई, कुछ भी होगा, ठीक है। देखिए यहाँ क्या सारे साधन हमारे पास, तो साधन कितने हैं 4 हैं, 4 का प्रतिशत निकालेंगे, पैदल को छोड़ देंगे,
क्या कहते हैं, सबसे पहले इस इधर से निकाल लीजिए, इधर से निकाल लीजिए, इधर से, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये निकल गया हमारा, तो सबसे पहले 90/360 × 100 पर क्या करेंगे, 100 की में तो प्रतिशत निकालना है, ठीक है। देखिए जब प्रतिशत निकाल लिया तो हमारा कितना आएगा, 25%, ठीक है। अब देखिए साइकिल का निकाला तो 36 के किया, क्योंकि साइकिल को कितना दिया है, 36 दिया है, 36/360 × 100, ठीक है। तो देखिए 100 देखिएगा तो प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो इसे 36 कट गया, ठीक है, और 10% बच गया, 10% क्या है हमारा, ये प्रतिशत निकल गया। अब देखिए अब क्या है इसमें, अगले सवाल में भी ऐसे ही किया है हमने, बस का और कार का भी ऐसे ही किया है, ठीक है। उसके बाद पूछा है इसमें कि कुल बताना है, कुल प्रतिशत कितना है, तो कुल कब निकलेगा, इसमें मतलब इन परसेंट में प्रतिशत को जोड़ेंगे, जब इन सही प्रतिशत को जोड़ दिया तो हमारा कितना आ गया, कुल 60%, ठीक है। तो यही हमारे इस प्रकार आंसर आया है, ठीक है।